गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग द शेफर्ड्स ट्रेजर पढ़ रहे थे। हाफ स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम रिमेनिंग हाफ पढ़ेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो किंग है उसको बाकी के जो गवर्नर्स रहते हैं वो ये ऑनेस्ट शेफर्ड गवर्नर के खिलाफ उसे भड़काते हैं, उसकी बुराई करते हैं। और फिर अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किंग पर, ये सारी बातें सुनने के बाद। ओके, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट दी शेफर्ड। स्टार्टिंग में जब सारे गवर्नर्स की शिकायत कर रहे थे, उसे डिसऑनेस्ट बोल रहे थे, तो जो किंग था वो उनकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था, उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू देम। बट आखिर वो कब तक इन बातों को इग्नोर करता? जब बार बार एक ही बात कही जाएगी, सच हो या झूठ हो, बार बार एक ही बात कही जाएगी तो उसे बहुत टाइम तक कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। तो जब शेफर्ड के बारे में वो लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो जो किंग था वो अब और इसे इग्नोर नहीं कर पाया। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। एक बात तो तय है, सर्टन मतलब श्योरिटी, एक बात तो श्योर है, एक बात तो तय है, द किंग डिस्कवर्ड, किंग ने इस बात का पता लगाया। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। क्या बात सही है? बात ये सही है कि जो हमारा जो नया गवर्नर है वो अपने आयरन चेस्ट को कैरी करता है, वो अपने सीने पर एक लोहे की ढाल कैरी करता है ऑल द टाइम, हमेशा ही। तो किंग ने इन्होंने तो बहुत सारी बातें करी, इन्होंने कहा कि आयरन चेस्ट पहनता है, उसके अंदर सारे ट्रेजर रखता है, सारे खजाने छुपा के रखता है, अपने सीने से लगा के रखता है। तो किंग को इन सारी बातों पर तो बिलीव नहीं था, बट समहाउ उन्होंने एक बात ज़रूर पता लगा ली कि जो शेफर्ड है हमारा वो आयरन चेस्ट तो पहनता है। अब इस चेस्ट की स्टोरी क्या है ये पता लगाने के लिए किंग अब उत्सुक है। ओके, तो किंग क्या कर रहा है? सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। समन मतलब बुलावा भेजना या आना। ओके, सो जो एक दिन क्या होता है, जो नया गवर्नर होता है उसको पैलेस यानी कि राजमहल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पे सवारी करते हुए आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और तब जब वो एज सुन एज वो वहाँ पर आया, पैलेस में आया, सबको इस बात से बहुत ही मज़ा आ गया कि अरे जो आयरन चेस्ट है जिसकी सारी बातें हो रही है वो बांधा हुआ था बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही सुरक्षा के साथ। कहाँ पे? जो कैमल था उसकी पीठ पर वो आयरन चेस्ट बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, जो अब राजा था हमारा वो ये देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही थंडर, वो गुर्राया, गुस्से में बोला, Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? तुम हमेशा ये जो iron chest है इसे अपने साथ लेकर के क्यों घूमते फिरते हो? आखिर इसमें क्या है? What does it contain? इसके अंदर क्या रखा है? The governor smiled. जो governor था वो smile करता है, मुस्कुराता है। He asked his servant to bring in the chest. फिर वो अपने नौकर से कहता है कि जाओ अंदर से वो chest, मतलब बाहर से वो chest अंदर ले आओ। How eagerly मतलब बहुत उत्सुकता के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा के साथ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। और जो वहाँ पर सभी लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब इस जो शेफर्ड है हमारा इसकी असलियत बाहर आ जाए और इसके बारे में सबको पता चल जाए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, पर लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही महान हुआ। वो जो भी वहाँ पे लोग थे उनको ऐसा शौक लगा, उन्होंने ऐसी चीज़ देख करके स्तंभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि पूछो मत। एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि जो राजा था वो भी बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। वेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब चेस्ट को खोला गया तो सब के सब वहाँ पर अचंभित हो गए, सब के सब वहाँ पर शौक में आ गए। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल, ना ही कोई सोना, ना ही कोई चांदी, ना ही कोई जेवरात, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। उस चेस्ट में से
ना ही कोई गोल्ड निकला, ना सिल्वर निकला, ना कोई ज्वेल, ना कोई जेवरात निकले, कोई खजाना नहीं निकला, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। निकला क्या? एक पुरानी सी कंबल, एक पुराना कंबल। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस इज माय डियर मास्टर, इज माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। फिर जो उसको बाहर निकाल के उसको पकड़े हुए जो शेफर्ड था, जो हमारा शेफर्ड गवर्नर नया बना था, उसने बहुत ही गर्व के साथ कहा, प्राउडली मतलब गर्व के साथ कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये जो है माई डियर मास्टर मेरे राजन, ये जो मेरे हाथ में है यही मेरा खजाना है, दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा यही एक खजाना है, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। जो राजा था उसने बोला, लेकिन तुम अपने साथ ये मामूली सी, ये ऑर्डिनरी सी ब्लैंकेट कंबल क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक जिले के तुम गवर्नर हो, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने साथ ये ब्लैंकेट को रखने की? किंग ने उससे पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, फिर जो हमारा शेफर्ड था उसने उसका आंसर बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही प्राइड के साथ दिया। उसने बोला, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है, जो कंबल है, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा, इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, कि अगर किसी भी समय आपने जो मुझे ये पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, ये जो आपने मुझे ओढ़ने के लिए क्लोक दिया है, क्लोक एक तरह का कपड़ा होता है जो बहुत लंबा सा होता है, गले में बांधते हैं और वो केप की तरह से रहता है, आपने जो भी मुझे ये पहनावा दिया है, ये मुझे मेरी पोस्ट की वजह से आपने दिया है कि मुझे गवर्नर बनाया है, पर किसी भी समय अगर आप चाहें तो आप मुझसे ये वापस ले सकते हैं, और ऐसे समय में अगर आप कभी मुझसे ये मेरा जो आपने मुझे दिया है ये मुझसे वापस ले लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैंकेट ही है जो मेरी रक्षा करेगी, सिर्फ ये ब्लैंकेट ही मेरे साथ निभाएगी, मुझे प्रोटेक्ट करेगी। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, जो राजा था वो कितना खुश हो गया, हाउ प्लीज, प्लीज मतलब खुश हो जाना, हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, जो किंग था वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और वहाँ पे जो भी बाकी के जेलस गवर्नर्स थे, जो भी गवर्नर उससे जलन करते थे, वो कितने ज़्यादा ही वो एम्बेरेस हो गए, उन्हें कितने ज़्यादा शर्मसार हो गए, उन्हें कितनी ज़्यादा शर्म आई। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान इंसान की जो रिप्लाई थी, जिसका जो आंसर था, उसे सुनकर के वो सबके सब ज़्यादा लज्जित हो गए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और अब वे सभी ये जान चुके थे कि वाकई में, वास्तविकता में, इंडीड मतलब वास्तविकता मतलब रियलिटी में, जो हमारा ये शेफर्ड है कि सबसे ज़्यादा हम्बल और सबसे ज़्यादा वाइज है, ये सबसे ज़्यादा ही काइंड है, दयालु है, और सबसे ज़्यादा समझदार है उस पूरे ज़मीन पर, उस पूरे लैंड पर, उस पूरे एरिया में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उस दिन जो किंग था उसने उसको वहाँ पर, जिसका वो ऑलरेडी था उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े लैंड, बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया का उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया और बना दिया गवर्नर। ओके, तो ये एक ईरानियन कहानी है, मैंने आपको बताया था कि इस कहानी के स्टार्टिंग में ही कि ये कहानी ईरान की है, ईरान में ये किंग रहता है और ये शेफर्ड रहता है। ओके, तो ये एक ईरानियन स्टोरी है और ये हमारी फिनिश हो गई। नाउ यू गॉट टू नो कि आपको हो सकता है लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो बहुत अट्रैक्टिव हों और बहुत ज़्यादा प्राइड से आपको भर दें, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं और आपके मुसीबत में, आपके बुरे समय में किसने आपका साथ दिया है। एक इंसान को कभी भी अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, वो कहाँ से आया है, और उसको हमेशा ही ज़मीन से ही जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे अगर सक्सेस मिल जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो हवा में उड़ने लगे और वो बाकी सारी बातें भूल जाएं। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर वेयर वन बिलोंग्स, ठीक है, कौन आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप कहाँ से आए हैं। आप कभी भी ये ना भूलें कि आपके बुरे समय में आपके साथ क्या क्या चीज़ें थीं। ओके बच्चों, तो ये हमारी स्टोरी फिनिश हो गई है।
इसके साथ हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल, जो शेफर्ड था हमारा वो कभी स्कूल नहीं गया था। तो क्यों स्कूल नहीं गया था, तीन ऑप्शन दे दिए हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ही वॉज वेरी पुअर, तो हाँ वो पुअर तो था। सेकेंड, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे, उस समय बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। यस, हमने स्कूल में स्टोरी में पढ़ा है कि उस समय बहुत कम स्कूल थे। थर्ड, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो नहीं बच्चों, हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो है सेकेंड वन, कि वहाँ पर बहुत फ्यू स्कूल थे, बहुत ही कम स्कूल उन दिनों में हुआ करते थे। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया सेकेंड वन। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे, एक दिन शेफर्ड से मिलने कौन गया एंड वाई, और क्यों गया। तो हम सभी को पता है कि शेफर्ड का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, बहुत ज़्यादा तारीफ थी वहाँ पर कि ये बहुत समझदार है, बहुत काइंड है, बहुत वाइज है। तो उससे मिलने के लिए कौन गया था, किंग गया था। और किंग एक शेफर्ड का ही डिस्गाइज करके, मतलब भेष बदल के गया था। और क्यों गया था, ताकि वो शेफर्ड से मिल सके पर्सनली, उसको जान सके, उसको परख सके। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, बाकी के जो गवर्नर थे वो शेफर्ड से क्यों जलने लगे थे, उन्हें क्यों वो पसंद नहीं था। वो उन्हें इसलिए पसंद नहीं था कि गवर्नर तो सभी थे, वो भी थे और शेफर्ड भी था, लेकिन शेफर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और उसकी पॉपुलैरिटी बाकी के गवर्नर्स को पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर था, जो शेफर्ड हमारा गवर्नर था, उसको पैलेस पे क्यों बुलाया गया, राजमहल पे क्यों बुलाया गया। तो जब राजा से सब लोग उसकी शिकायत कर रहे थे कि वो डिसऑनेस्ट है, वो पैसे चुराता है टैक्स में से, और वो अपने आयरन चेस्ट में पैसे चुरा के रखता है, छुपा के रखता है, तो उसको चेक करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए राजा ने उसे समन किया था, उसे बुलावा भेजा था पैलेस पे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, वहाँ पे जितने भी लोग उस पैलेस में उस समय मौजूद थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे, वो सब इतने खुश क्यों हो गए जब उन्होंने देखा कि जो आयरन चेस्ट है वो कैमल के बैक पे बंधी हुई है। तो वो इसलिए खुश हो गए क्योंकि दे वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, वो चाह रहे थे कि कब जो शेफर्ड है इसकी कोई गलती सामने आ जाए और कब राजा इसे गवर्नर के पद से हटा दे। ठीक है, तो दे वर जेलस ऑफ हिम एंड दे वांटेड हिम टू कॉट गिल्टी, वो चाहते थे कि वो गिल्टी मिल जाए, वो मतलब कि वो उसने कुछ गलती की हो, उसकी गलती सामने आ जाए और ताकि उसे पनिश किया जाए राजा। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, इसके आंसर्स आपको देने हैं। ओके, सिक्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, आयरन चेस्ट में क्या था। तो हम सभी ने देखा कि आयरन चेस्ट में क्या थी, एक पुरानी ब्लैंकेट। क्या थी आयरन चेस्ट में, एक पुरानी ब्लैंकेट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, जो हमारा शेफर्ड था वो हमेशा उसको अपने साथ क्यों रखता था, क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड समझता था और वही उसका एकमात्र ट्रेजर था। That was his only treasure which he used to carry with him always. ठीक है, because in bad times that blanket would protect him. ठीक है, इस वजह से he used to carry it. Third question हमारा कह रहा है is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? तो आपको क्या लगता है कि ये जो shepherd वो iron chest में अपना blanket carry करता था, तो ये उसके मतलब ये उसकी समझदारी है या उसकी बेवकूफ़ी है। तो आपको क्या लगता है कि वो कैरन का वो चेस्ट में हमेशा वो कंबल कैरी करना वॉज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। मुझे तो लगता है इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज वो हमेशा ही उसको रिमाइंड कराता था, उसे याद दिलाता था कि वो कहाँ से आया है, एंड ही शुड नेवर गिव अप हिज काइंडनेस। सक्सेस मिलने के बाद ही शुड नॉट फॉरगेट कि वो कहाँ से आया है, ही शुड नेवर फॉरगेट कि वो क्या था। ओके, ये आंसर भी हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, जो ये किंग था उसने जो नया गवर्नर बनाया था उसको आखिरी में किस तरह से प्राइज़ दिया उसकी काइंडनेस का, उसके ह्यूमैनिटी का। ठीक है, तो ही मेड हिम
गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट, उसको एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा ज़िला उसको सौंप दिया कि अब तुम इसकी देखभाल करो. ठीक. सो ही रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर विद अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट. ओके. सो सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए बच्चों. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड में आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं, और एक वर्ड मीनिंग भी आप कॉपी में लिखा करें चैप्टर स्टार्ट करने के बाद ही. क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अगर आप खुद से आंसर्स लिख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट इन केस आपको डाउट है तो मैं आंसर्स प्रोवाइड करा दूँगी. इसके साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया. आपको मुझे नेक्स्ट क्लास में मैसेज लिख के दिखाना है. मैंने उस दिन लाइव क्लास ली थी, थोड़े इशू के साथ शायद लाइव क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी हमारी. मैं मैसेज का एक और वीडियो बना दूंगी, और जिनको भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मैसेज राइटिंग, मैसेज लिखना फिर से सीखेंगे. ओके. आज के लिए इतना ही. घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बच्चों. आज के